खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और ITBP को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुबाड़ है ना भारत का एक, ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद। तो ये हमें बता देंगे हम आपको बाद में। तो सुना आपने, हाथ में माइक थामे ITBP जवानों और पुलिस को किस तरह से खोद मारने का ज्ञान दिया जा रहा है। अफसर साहब ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर इनके जूनियर अफसर और ITBP जवान प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सके। किसानों को खोद मारने का ऑर्डर दे रहे ये DCP रविंद्र तोमर हैं। DCP साहब जिस खोद मारने का इतना बखान कर रहे हैं उसका मतलब हमारी और आपकी भाषा में क्या होता है इसे हम बताएंगे, लेकिन पहले एक बार DCP रविंद्र तोमर का ये पूरा बयान सुन लीजिए। खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और ITBP को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का एक, ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद। तो ये हमें बता देंगे हम आपको बाद में। DCP साहब बार बार अपने आदेश में जिस खोद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मुताबिक वो खोद एक हरियाणवी जुगाड़ है जिसमें लाठी से इस तरह से मारा जाता है कि जिस व्यक्ति को लाठी मारी जा रही हो उसे मारने वाला इंसान ठीक ठाक दूरी पर खड़ा होता है और चोट भी कम आती है। और तो और खोद वाली मार में मार पड़ने के बाद भी चोट के निशान नहीं आते। अब आपको इस वायरल बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं। दरअसल 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर हरियाणा के कैथल में करनाल रेंज के IG सत्येंद्र गुप्ता के साथ DCP रविंद्र तोमर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान DCP रविंद्र सिंह तोमर ने जूनियर अफसरों और ITBP जवानों को खोद मारने का ऑर्डर दे डाला जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह किसी अफसर के बयान का वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले 2021 में इसी तरह करनाल के तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा के बयान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस से कह रहे थे कि अगर कोई भी सुरक्षा को तोड़ता है तो उसका सिर फोड़ देना। जो भी हो, यहाँ से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लग पा कोई डाउट मारोगे? कोई जाएंगे इसको बीच करके सीधे उठाओ खा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। साल बदल गए लेकिन कुछ अफसरों के तेवर और नजरिया नहीं बदला, बदली तो जगह भी नहीं। 3 साल पहले हरियाणा में ही किसान आंदोलन के दौरान SDM सिर फोड़ने की बात कह रहे थे और अब 3 साल बाद हरियाणा के ही कैथल में DCP रविंद्र तोमर खोद मारने का ऑर्डर दे रहे हैं। दिल्ली की ओर कूच करते किसानों को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली की पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। 13 फरवरी को हरियाणा के अंबाला का शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, एक के बाद एक हवाई फायरिंग हो रही थी। एक तरफ किसानों का जत्था था तो दूसरी तरफ पुलिस का दलबल। ऐसे संवेदनशील समय में जब एक सीनियर IPS अफसर पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आप इस वायरल वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूँ दिव्यांशी सम्राव, बहुत बहुत शुक्रिया।